जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर के सौजन्य से होटल पैराडाइज में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर हरिकेश मीणा ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का हमीरपुर जिला में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने युवा उद्यमियों का आह्वान किया कि वे इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं, इससे उनमें स्वावलंबन की भावना विकसित होगी और अन्य लोगों को भी स्वरोजगार देने में सक्षम होंगे। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर विनय चौधरी ने बताया कि शिविर में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की, जिसमें मुख्यतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना तथा मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में नए स्थापित उद्योगपतियों ने अपना अनुभव संभावित निवेशकों से साझा किया। उन्होंने बताया कि विभाग हर शाम 5 बजे से परामर्श सत्र आयोजित कर गए, जिसमें युवाओं को उद्योग लगाने से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। शिविर में विभिन्न बैंकों के अधिकारी, खादी बोर्ड विकास अधिकारी अश्विनी शर्मा, परियोजना प्रबंधक गुरुलाल नेगी, परियोजना प्रबंधक प्रत्युष चौहान, उद्योग संवर्धन अधिकारी रमेश प्रसाद, अधिकारी प्रवेश सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। थाना ज्वालाजी के तहत जहरीला पदार्थ निकलने से 19 वर्षीय युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल में भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान सुमन पुत्र सुभाष निवासी सीहोर पाई रेंखा के रूप में हुई है। DSP देहरा लालमन शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर को अचानक सुमन की तबीयत बिगड़ने के चलते उसके परिजनों द्वारा उसे ज्वालाजी अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इधर सुमन के पिता काम के चलते घर में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें बेटे की तबीयत के बिगड़ने की सूचना मिली, वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए। सुमन के पिता का कहना है कि बेटे को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, जिसके चलते वे इस तरह का कदम उठाए। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही सुमन की मौत कैसे हुई है, इसका खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस की इस मामले को लेकर जांच जारी है। ज्वालाजी अस्पताल के BMO डॉक्टर सतेंद्र वर्मा ने कहा कि अस्पताल में युवक द्वारा गलती से जहर निकलने का मामला सामने आया था। इस बारे स्थानीय पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। युवक की कंडीशन ज्यादा खराब होने के चलते उसने दम तोड़ दिया। इस बीच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम धीमान के नेतृत्व में ASI बलदेव ने अस्पताल पहुंचकर सभी लोगों के बयान दर्ज किए। बताया जा रहा है कि जब सुमन द्वारा ये कदम उठाया गया, उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था, घर में अकेला था। बताया जा रहा है कि जैसे ही सुमन की मां घर पहुंची तो उसने देखा कि सुमन आंगन में उल्टियां मार रहा है। इस बीच जैसे ही सुमन की हालत बिगड़ी तो उसकी मां ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बोलकर उनकी मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि सुमन ने 12वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था और वह घर में ही रहता था।
भारत के हिमालयन क्षेत्रों में कूड़े का सही तरीके से निस्तांतरण करने के लिए इकली संस्था द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों जहां घनी आबादी है और पर्यटकों का समय समय पर जमावड़ा बढ़ता है, जिसके कारण कूड़ा करकट भी अधिक मात्रा में निकलता है। इस कूड़े को पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से विकसित तरीके से संयंत्रित किया जा सकता है, इसके लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। इस डाटा के अध्ययन के बाद सही तरीके से पता चल पाएगा कि इन क्षेत्रों में कूड़े को सही तरीके से कैसे निस्तांतरित किया जा सकता है। गौरतलब रहे कि इकली पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। कूड़े के स्थायी प्रबंधन के लिए ये संस्था 100 देशों में 750 स्थानीय सरकारों के साथ वैश्विक स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में आज धर्मशाला में कोरिया से आए हुए विशेषज्ञों ने DFO वन विभाग प्रदूषण बोर्ड के अधिशासी अभियंता, धर्मशाला नगर निगम के अधिशासी अभियंता, ग्रामीण विकास प्राधिकरण कांगड़ा के निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बारे में दक्षिण एशिया सस्टेनेबिलिटी की सहायक प्रबंधक गीता शंदल ने बताया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसका नाम डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर द माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में चुनौतियां आती हैं। सुनील का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में कूड़े का निस्तांतरण अलग अलग तरह का है। पहाड़ी क्षेत्रों में तंग रास्ते होने की वजह से कूड़ा उठाने वाले वाहन कूड़ा दान तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कूड़े का सही निस्तांतरण नहीं हो पाता है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों कुल्लू, मनाली, शिमला और धर्मशाला पहाड़ी क्षेत्रों, जहां संस्था में माध्यम से काम किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जो चुनौतियां पहाड़ी क्षेत्रों में है उनका समाधान कैसे किया जाए। उन्होंने कहा, स्थानीय जनसंख्या के साथ साथ हर साल आने वाले पर्यटकों का डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, ताकि स्थायी पर्यटन के साथ साथ कूड़े का भी सही तरीके से निस्तांतरण किया जा सके।